विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली में बेहद खास तैयारियां की गई। कई जगहों पर भारत की संस्कृति को दिखाने वाली प्रतिमाएं और प्रतीक चिन्ह लगाए गए। G20 समिट के वेन्यू पर भारत मंडपम में नटराज की भी शानदार प्रतिमा लगाई गई। मेहमानों के स्वागत, खानपान से लेकर सुरक्षा तक की खास व्यवस्थाएं की गई। तो वहीं पूरी दिल्ली को विदेशी मेहमानों के लिए पूरी तरह से सजा दिया गया। भारत की मेजबानी में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। तो वहीं G20 के उद्घाटन समारोह के दौरान काफी नया अंदाज देखने को मिला। एक और जहां अभी भारत बनाम इंडिया का विवाद नहीं थमा है, G20 सम्मेलन के निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर इन दिनों सत्ता पक्ष और विरोधी दलों के बीच तीखी बहस जारी है। तो वहीं इस बीच G20 में भारत और इंडिया का मुद्दा एक बार फिर से विवादों में आ गया। दरअसल डेलीगेट्स के स्वागत के बाद जब पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन की शुरुआत में पहला स्पीच दिया, उस समय उनकी पट्टिका पर इंडिया की जगह भारत लिखा दिखाई दिया, जिसे लेकर सपा सांसद ST हसन भड़क उठे और अपने बयान में पीएम मोदी और सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। सपा सांसद ने इसे INDIA गठबंधन से डर और सत्ता पक्ष की बौखलाहट बताया। उन्होंने कहा कि ये बचकानी हरकत है। देश के अंदर NDA को INDIA गठबंधन से इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। बयान देते हुए उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं। पता नहीं BJP को इंडिया नाम से क्या परेशानी है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे लिए तो भारत भी उतना है जितना इंडिया है, लेकिन न जाने क्यों ये BJP इंडिया के नाम से इस कदर बौखला गई, घबरा गई, इसे जाने क्या दिख रहा है। अब ये देख रहे हैं कि हालात क्या हैं। सारे ही लोगों के अनुमान इसी बात के हैं कि इंडिया ज़बरदस्त जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है और इंडिया से ये घबरा कर नाम भी हटाना चाह रहे हैं। ये नाम, इंडिया का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, हमारे देश की पहचान है, सैकड़ों साल से ये नाम है। लेकिन तुम्हें आज इंडिया से नफरत होगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया, ये बहुत निम्न स्तर की राजनीति। बहरहाल भारत बनाम इंडिया मुद्दे को लेकर सियासत तेज है और विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष लगातार इसके विरोध में बयानबाजियां कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष G20 समिट में भी भारत शब्द का प्रयोग खुलकर कर रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से पल पल रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।